हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को काशीपुर में रामनगर रोड स्थित प्राइम लाइफ केयर सुपर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आधुनिक चिकित्सालय खुलने से क्षेत्र के आसपास के लोगों को बेहतर एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर बोहरा जी की शामली क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि निजी अस्पतालों के सहयोग से भी सभी को स्वास्थ्य गारंटी मिले, साथ ही अटल आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा चिकित्सालय जुड़े ताकि आम नागरिकों को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य जगत के सभी अस्पतालों से पूर्व से ही इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य गारंटी के सपने को साकार करते हुए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है, जिसमें सालाना 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की देखभाल की गई, जो कि प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता को भी कोरोना के प्रति पूरी तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य की 100% जनता को प्रथम डोज लग चुकी है तथा द्वितीय डोज भी 100% लगने की कगार पर है, उन्होंने कहा बूस्टर डोज भी राज्य में लगाने का कार्य किया जा रहा है, परंतु फिर भी जनता को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना चाहती है। पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को बनाना हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए 1064 नंबर लॉन्च किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा, इस संबंध में भ्रष्टाचार पर अभी 3 बड़ी कार्रवाई की गई है, जबकि कई शिकायतें सर्विलांस पर है। उन्होंने कहा, हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। साथ ही सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है, जो पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए अब पति पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में हो तथा राज्य सुख शांति व समृद्धि की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहे, यही हमारी संकल्पना है। हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।